तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गेमर नित्य पे। और आज मैच करवाने जा रहे हैं भाई तीन ऐसे सुपरस्टार जो कि सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं मुझे लगता है। और तीन है सामने डीमंस भाई जो कि दुनिया को बहुत पसंद है भाई। और डीमंस में है भाई अपने फिंड, केन और दी अंडरटेकर भाई। और सामने सुपरस्टार है भाई ब्रॉक लेसनर, आप देख ही रहे हैं भाई खड़े हुए हैं, जॉन सीना और रोमन रेंज भाई, यानी कि अपने ट्राइबल चीफ। और ये भाई जो अपना फिंड है मकड़ी माला, ये तैयारी में है भाई फिनिशर लगाने की, क्योंकि आते ही रोमन ने इसको गिलिटीन दे दिया भाई फिनिशर। तो अब फिनिशर तो इसका भी लगाना बनता है भाई। तो जो लोग नए आए हैं भाई वो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई। और ये किस कर लिए भाई और दे दिया भाई फिनिशर ब्रे वाइट ने। तो देखते हैं ये मैच कौन जीता है, ये डीमंस की टीम जीत पाएगी या फिर ये सुपरस्टार जीत जाते हैं भाई अपने। तो फिलहाल रोमन की हालत खराब है और रोमन को बचाने के लिए ब्रोक लेसनर आया भाई। क्या बात है यार, ये तो एक अनोखा ही दृश्य हो गया भाई, रोमन को बचाने के लिए ब्रोक लेसनर आ रहे हैं, क्या खतरनाक सीन है। और डीमन भी आ गए हैं भाई, यानी कि अपने केन, केन ने आते ही चोक स्लैम दे दी भाई और रिवर्स भी हो गया भाई। ओहो, तो रोमन भी इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, चोक स्लैम को रिवर्स कर दिया भाई। और मुझे लगता है अभी टैग देने जा रहे हैं, किसको टैग देंगे, जॉन सीना को बुला लिया भाई टैग देके अंदर। और क्या डबल ए देखने को मिलेगा, सीना मुझे लगता है भाई रिंग के ऊपर डबल ए देने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और अगर आपके पास कोई सजेशन है भाई तो हमें जरूर दीजिएगा, वो हम वीडियो जरूर बनाएंगे अगर हमें सजेशन अच्छा लगा। तो फिलहाल तो आप डबल ए देख लीजिए भाई केन की, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा भाई लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच जाए भाई। और केन, ओ भाई, तो फिर केन को बचाने आ गए भाई। तो अभी देखते हैं सीना क्या करते हैं भाई। और अरे भाई, तो सीना तो जो है भाई, अरे क्या कर रहे हो रोमन यार, सीना को पीटने दो यार, क्यों बीच में पंगे ले रहे हो भाई, बाहर चले जाओ नहीं तो एलिमिनेट हो जाओगे। तो ये गंजा भाई अपना टकलू भाई ये, अरे भाई ब्रोक को टैग दे दिया है। तो बारी बारी से पिटाई कर रहे हैं भाई तीन के तीन सुपरस्टार आके। और केन अभी पड़े हुए भाई रिंग के अंदर और F5 लगाने की तैयारी थी। ओहो, तो ब्रोक आते ही भाई F5 लगाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन चलो रिवर्स कर दिया केन ने। तो मैच अभी तक तो भाई बहुत खतरनाक चल रहा है, अभी देखते हैं जीतता कौन है भाई। ओले F5 भाई, ओहो, तो एक तो रोक लिया भाई आपने F5, ये दूसरा कैसे रोकोगे भाई, दूसरा F5 लगा दिया है भाई और ये कवर कर लिया है, कोई बचाने आ रहा भाई, फिंड दोबारा से बचाने आ गए भाई। तो अच्छा याराना लग रहा है, अच्छा बचाने का देख लो भाई, ये सिला मिला है कि ब्रोक ने F5 अब दे दिया फिंड को। तो फिनिशर तीनों ही खत्म हो गए भाई ब्रोक के। अब मुझे लगता है ब्रोक को ना भाई फटाफट से जाके टैग दे देना चाहिए, फिंड को बाहर फेंक दो। हाँ कॉर्नर में फेंक दिया, चलो ये भी सही किया, लेकिन फिंड को मार के कोई फायदा नहीं है ब्रोक यार, समझो एक बात को। पीछे केन खड़ा भाई, चोक स्लैम दे देगा। अरे भाई ये क्या हो गया, दो दो डीमन रिंग के अंदर है भाई। ओ भाई कैसे उठा लिया ब्रोक को यार, क्या बात है। तो कुछ अभी करने मुझे लगता है टैग देने जा रहे हैं भाई केन, या फाइट करेंगे, चोक स्लैम की तैयारी थी नहीं। अरे वाह, ये तो ब्रोक लेसनर ने ही उठा लिया भाई इनको, तो ब्रोक खतरनाक काम कर रहे हैं फिलहाल अभी तो। अरे यार इमोट दिखाने के चक्कर में टाइम दे दिया केन को, और अभी आ गया भाई अपने, ओ भाई 25 की बोछार कर दी भाई ब्रोक के मुंह पे। ओहो भाई ये तो फोड़ डाला भाई ब्रोक लेसनर को दी अंडरटेकर ने। तो स्ट्रीक जो है आपको पता ही है भाई, ब्रोक ने ही तोड़ी थी ना अंडरटेकर की, तो अंडरटेकर उसका बदला लेंगे मुझे लग रहा है। अभी जो भी मूड दिखा रहा है भाई, सामने वाला टैग दे दे रहा है। तो सीना आ गया भाई, ये देख लो भाई लेजेंडरी प्लेयर है सबके सब, और सीना को देख लो सुप्लेक्स दे दिया और रिवर्स कर दिया ब्रोक लेसनर ने। चलो ये बढ़िया था भाई, टोम स्टोन की तैयारी थी यार DDT। ओहो, तो भाई कोई भी ना अपना मूव ना छोड़ नहीं रहा है, इतने खतरनाक खतरनाक मूव लगा रहे हैं। ओ लगा क्या भाई पंच चेहरे पे लगा भाई दी अंडरटेकर के। तो अंडरटेकर की हालत थोड़ी सी तो है खराब, लेकिन अभी देखते हैं क्या सीना डबल ए देंगे या नहीं। सीना के पास पड़े हुए डबल ए दो दो, क्या करोगे सीना, डबल ए दोगे, बिल्कुल देंगे भाई बिल्कुल देंगे। ओहो, और अभी बचाने के लिए देखते हैं कौन आ रहा है भाई, कोई आएगा क्या। ओ बचा लिया, किक आउट कर दिया, इसीलिए शायद फिंड थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन केन जो सॉरी अंडरटेकर ने किक आउट कर दिया भाई फिंड के आने से पहले। टैग देने जा रहे हैं भाई ब्रोक लेसनर को, रिवर्स हो जाएगा मुझे पक्का पता है, क्योंकि इतना टाइम लगाओगे तो भाई फिर तो रिवर्स बनता ही है ना यार, अंडरटेकर अब इतना तो है नहीं बेकार कि आपसे मार खाता रहेगा। तो टैग देने जा रहे हैं अंडरटेकर, अगर डैमेज की बात करें तो भाई, तो अपने ब्रोक
और रोमन रेज को बहुत डैमेज पड़ा हुआ है। शीना भी फिलहाल क्लियर है भाई बॉडी, लेकिन अगर इधर देखें तो केन को ही सिर्फ डैमेज पड़ा है भाई, और प्रे वायट और दी अंडरटेकर दोनों ही ठीक है अभी तक फिलहाल। देखते हैं क्या रहता है, क्या सीना बाहर भी कुछ ना कुछ कांड करेंगे। और यहाँ पर भाई बाहर तो घमासान युद्ध छिड़ गया भाई, रोमन और अंडरटेकर, ब्रोक और फिंड। अरे भाई यही तो देखना था यार, ये क्या मैच है यार। ओ चोक स्लैम की तैयारी भाई, रिवर्स कर दिया। अरे क्या बात है, तो सीना कहाँ लेके जा रहे हैं, एप्रेंट पे देके मारेंगे क्या, पावर मोन, क्या बात है। ओ भाई क्या मारा भाई सीना ने। और यहाँ पर रोमन और केन की फाइट हो रखी है, और सही में अगर, और रे भाई केन को डबल ए दे दिया है, क्या एलिमिनेट हो गए हैं केन, और ये केन एलिमिनेट हो गए हैं यार। और रे भाई एक डीमन तो गया, अभी भी दो डीमन बचे हुए हैं। ओ सीना भाई मोड़ दिखा रहे हैं खतरनाक वाला, यू कांट सी मी। तो फिंड अभी जा रहे हैं भाई रोमन को लेके अंदर, अभी क्या रहता है देखते हैं भाई। एक तो एलिमिनेट हो गया भाई बंदा इनका, तो देखते हैं क्या ये दो डीमन मिलके इन तीन सुपरस्टार को हरा पाते हैं, या फिर इन्होंने वैसे तो अपना काम चला लिया है भाई। एक केन को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, एक डीमन तो एलिमिनेट हो गए हैं, अभी देखते हैं क्या रहता है भाई आगे, क्या दूसरा डीमन भी एलिमिनेट होगा या फिर कोई सुपरस्टार एलिमिनेट होगा। अगर सुपरस्टार कोई एलिमिनेट होता है भाई तो फिर 2 वर्सेस 2 वाला मैच हो जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल 2 वर्सेस 3 का मैच है। और मुझे लगता है सीना भाई जैसे केन को एलिमिनेट किया वैसे ही अंडरटेकर को करेंगे। अरे यार अंडरटेकर का टोमस्टोन कोई लगने नहीं दे रहा यार, जैसे ही अंडरटेकर लगाने जाते हैं वही वैसे ही कोई ना कोई मूव बीच में आ जाता है उनके, लगाने नहीं दे रहे फिनिशर ना दी अंडरटेकर के पास। अभी देख लो भाई, ओ डबल ए, ओ क्या, और दोनों भाई एलिमिनेट कर दिए भाई सीना ने अकेले ही। अरे क्या बात है भाई, तो सीना खतरनाक हो रहा है भाई। अरे रेफरी पे गुस्सा उतार दिया भाई फिड ने। ओ भाई ये क्या हो गया यार, तो टकलू को गुस्सा उतार रहा है भाई फिड, गुस्सा आ गया क्योंकि केन गए उसके बाद अंडरटेकर भी चले गए और फिड रह गए अकेले भाई। ओहो, तो गुस्सा इसीलिए इनका जो है वो भाई रेफरी के ऊपर टूटा है। और ये भी देखते हैं भाई क्या ये तीसरा एलिमिनेशन भी सीना करेंगे या फिर फिंड कुछ कमाल दिखाएंगे भाई। अभी डैमेज थोड़ा बहुत सीना को भी पड़ गया है, दो दो फिनिशर ले रखे हैं भाई। और ये लो एक फिनिशर तो पड़ा भाई सीना को, कोई बचाने आएगा सीना को, बचाने आ रहे हैं भाई ब्रोक, बचा लिया भाई। किक आउट वैसे भी कर ही दिया था वैसे सीना ने, बचाने की जरूरत नहीं थी। एक और फिनिशर है भाई ब्रोक के बदले यार सीना पे लगाएगा फिंड तो ज्यादा सही रहेगा भाई, मुझे तो यही लगता है कि इसको करना चाहिए यही काम, लेकिन ये तो ब्रोक के पीछे पड़ गया भाई क्योंकि ब्रोक ने ही यार किक आउट करने में मदद की है ना भाई सीना की, इसलिए फिंड जो है भाई जो भी उनके मैच के बीच में आ रहा है ना भाई वो उसी को ही पकड़ रहा है। पहले रेफरी को पकड़ लिया था यार, क्या सही मूव था यार, रेफरी पकड़ लिया बंदे ने यार। अभी फिनिशर मुझे लगता है शीना को लगाएंगे, ओ डैमेज के हिसाब से तो भाई काफी अच्छा डैमेज दे दिया शीना को, अब मुझे लगता है फिनिशर देना चाहिए। क्या हो गया भाई, किधर देख रहे हैं, ब्रोक के पीछे भाग रहा है यार, अभी भी कोई फायदा नहीं है ब्रोक के पीछे भागने का भाई, रिवर्स कर दिया ब्रोक ने, सीना आ गया भाई, दो दो से अकेले ही भिड़ रहे हैं भाई फिंड। और है भाई तो अगर यहाँ पर एक प्लेयर और होता ना यार फिंड के साथ तो शायद फिंड कुछ कर पाते, लेकिन अभी फिलहाल जीतेंगे तो नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा खेलेंगे उतना ही बढ़िया हमें लगेगा क्योंकि मैच बढ़िया होना चाहिए भाई, बाकी तो ठीक है। टू, ओ भाई किक आउट कर दिया, फिनिशर तो देना पड़ेगा भाई, डैमेज देख रहे हो, अगर फिंड के मुकाबले डैमेज देखे ना तो भाई तीनों को ही डैमेज ज़्यादा पड़ा हुआ है, सीना को भी, ब्रॉक लेसनर को भी और रोमन रेंज को भी। अरे भाई फिंड चलो अंदर जाओ यार, कम से कम एक एलिमिनेशन तो बनता है यार, इतना भी नहीं होना चाहिए यार। सीना ने दो दो एलिमिनेशन कर दिए भाई, और ये तीसरा एलिमिनेशन भी कहीं सीना ही ना कर दे भाई। तो सीना आ गए हैं वैसे भी रिटर्न, तो अभी देखते हैं रोमन आया भाई, रोमन के पास भी फिनिशर पड़े हुए हैं भाई तीन तीन, और ये गिलिटीन की तैयारी थी, रिवर्स कर दिया भाई। और है भाई तो अब कुछ ना कुछ पिंड मुझे लगता है कुछ खतरनाक करने वाले हैं भाई, अब तो करना भी बनता है भाई। अभी ये लो भाई हेड बट, ओहो, और ये फिनिशर की तैयारी, ये लो भाई अभी फिनिशर की तैयारी कर लिए भाई, तो क्या ये फिनिशर लगेगा भाई, ये भाई खड़ी है अपने बंदे पे बैठे हैं, ये सरकासी जिसकी है। तो अभी भाई फिनिशर और रिवर्स कर दिया यार रोमन ने, और देखते हैं भाई अभी क्या रहता है भाई। अरे भाई
तो फिंड जो है ना भाई खतरनाक मूव लगा रहे हैं भाई, अभी फिनिशर की तैयारी है फिंड की, तो देखते हैं क्या रहता है भाई। फिंड ये मैच में कुछ ना कुछ कमाल दिखाएंगे या फिर फिंड एलिमिनेट हो गए भाई। ब्रोक के पास अभी कुछ नहीं है, फिंड के पास दो दो फिनिशर है, मुझे लगता है अभी एलिमिनेट होंगे, कोई ना कोई तो एलिमिनेट होना चाहिए यार अभी फिलहाल। फिंड यार फिनिशर लगना चाहिए भाई। वो रिवर्स कर दिया यार ब्रोक ने और F5 लगा दिया भाई। ये मुझे लगता है भाई फिंड का लास्ट फिनिशर है, मुझे लगता है ऐसा। और है भाई फिंड को बचाने के लिए कोई है भी नहीं, और 2 और 3 ये तो मैच जीत लिया भाई। तो अपने ब्रोक की टीम ने मैच जीत लिया है, कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट टाइम जल्दी ही मुलाकात होगी आप सबसे।